ये लोग भाग क्यों नहीं सके? सर भागता कहाँ से? ये देखिए, ये लड़का कितनी बुरी तरह जख्मी है। इनको भी जलने से पहले चाकू मारा गया है। शायद इसीलिए ये लोग भाग नहीं सके। तो हाँ दया, तो ये देखिए, शायद इसी चाकू से इन दोनों का खून किया गया है। ये चाकू तो आमतौर पर मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसे एविडेंस बैग में रख दो। हाँ तो सर, इस खिड़की से कोई भागा है, वो देखो। इसका मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी यहाँ था। थैंक गॉड, बेहोश है, मरा नहीं है, ज्यादा जला नहीं है। शायद इसने आग से बचने की कोशिश की है, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेहोश होकर गिर गया। कैसा इंसान है? उन दोनों को अकेला बरता हुआ छोड़ खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभिजीत, देखो इसके शरीर पर कोई चाकू वाकू के वार है क्या? नहीं सर, चाकू नहीं लगा है। फ्रेडरिक्स, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेजने का बंदोबस्त करो। ये जितने जल्दी होश में आएगा हमारे लिए अच्छा है। कोई यहाँ आता जाता था इनसे मिलने के लिए? नहीं सर, यहाँ पे तो किसी को हमने आता जाता नहीं देखा। एक मिनट, क्या इस आदमी को कोई पहचानता है? नहीं साहब, इसको तो हमने कभी नहीं देखा। नहीं, इसको यहाँ पे कभी नहीं देखा। तो फिर एक अनजान आदमी यहाँ क्या कर रहा था? सर, आग जरूर लगी होगी, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन दोनों की मौत दम घुटने से नहीं हुई है। इन बेचारों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। सारे बदन पर जख्मी जख्म है, जैसे मारने वाले ने पूरी नफरत से मारा हो इन्हें। इतने सारे जख्मों की वजह से इनके शरीर का सारा खून बह गया। इनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि ये चलकर बाहर आ सके। शायद इसी चाकू से मारा गया इन्हें। हाँ, इसी चाकू से मारा गया इसे। और इनके जख्मों को देखते देखते एक और चीज मुझे दिखाई दी है, अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है मरने से पहले इस औरत ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की होगी। मतलब इन दोनों माँ बेटों को मारने के बाद ही आग लगाई गई थी। लेकिन वो आदमी कौन है जो हमें घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला था? सर, मुझे तो लगता है वही खूनी है। अगर वही खूनी है तो फिर आग किसने लगाई? किसी और ने, जो इन तीनों को मारना चाहता है। प्रियंका, मैक्स की हालत कैसी है? सर, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी गहरे शॉक में है। गहरे शॉक में है? ऐसा काम करेगा तो शॉक लगेगा ही, उसके शॉक का इलाज तो मैं करूंगा। चलकर उसी से पूछते हैं ये सारा मामला है क्या और इन दोनों को मारा किसने। सर, उसे अभी अभी होश आया है, हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी जल्दी? जी हाँ, अभी इसी वक्त। सर, उसके जेब से हमें ये पासपोर्ट और वॉलेट मिला है। सिर्फ रुपए? वॉलेट खाली है सर। इटली का पासपोर्ट? सर, ये आदमी रोम का रहने वाला है, मैक्स रायन नाम है इसका। मैक्स रायन? ये इंडिया कब आया है? देखो जरा। 9 दिन पहले। 9 दिन पहले? सिर्फ एक माँ और बेटे को मारने के लिए ये रोम से आया है। मैक्स? मैक्स? यस। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये हिंदी समझता है क्या? सर, ये समझता भी है और बोलता भी है। कैसे हो मैक्स? कौन है ये लोग? ये सीआरडी के लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। What
नर्स, पेन किलर फास्ट। मैक्स, क्या हुआ मैक्स? डॉक्टर, डू समथिंग। डॉक्टर कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा डॉक्टर। रिलैक्स मैक्स। डॉक्टर प्लीज सर, इस वक्त इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। इसका दर्द आपके इंजेक्शन से कम नहीं होगा डॉक्टर। तो फिर इसे CID का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। देखिए, आप एक बीमार को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो फिर आप भी हमारा साथ दो। देखिए सर, ये सरासर गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक कैंची दीजिए आप। देखिए, आप कैंची देते हैं या मैं खुद ले लूं? देखिए सर, जलने की वजह से इन्हें बहुत दर्द हो रहा है और। अच्छा, जब हम यहाँ आए थे तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे ही इसे हमारे बारे में पता चला, इसका दर्द अचानक शुरू हो गया। दो खून हो चुके हैं और इसे उनके बारे में सब मालूम है, इसे कुछ तो पता नहीं पड़ेगा। आग कैसे लगी मैक्स? इसकी खाल का ये टुकड़ा बता देगा कि वाकई इसे दर्द हो रहा है या इसके ये आंसू एक खूनी के आंसू है। तो जिस बात का हमें शक था वही बात रिपोर्ट में आई है। नाखून में मिला हुआ स्किन का टुकड़ा उस आदमी की स्किन से पूरी तरह से मैच कर रहा है जो हॉस्पिटल में है। सर, समझ में नहीं आ रही है मैक्स चाहता क्या था। क्या ये सिर्फ माँ बेटे को मारने के लिए रोम से इंडिया आया है? नहीं अभिजीत, दो मामूली इंसानों को मारने के लिए यूरोप से आना इम्पॉसिबल। हो सकता है इन दोनों माँ बेटों के पास कोई ऐसी चीज हो जो यह आदमी हासिल करना चाहता था। सर, अगर मैक्स ये काम करने के लिए रोम से मुंबई आया है तो जरूर इस शहर में वो कहीं ना कहीं तो ठहरा होगा। किसी होटल में या फिर किसी के घर में? अगर होटल में ठहरा है तो उसने अपना पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स वगैरह तो लिखवाए होंगे, वहां से उसके बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। हाँ अभिजीत, मगर कुछ तो गड़बड़ है। एक माँ बेटे को मारने के लिए एक आदमी रोम से आता है, उन्हें टॉर्चर करता है और तभी आग लग जाती है। उस आग में ये माँ बेटे मर जाते हैं, लेकिन साथ में ये मैक्स मरते मरते बच जाता है। इसका मतलब है कोई और भी आदमी है जो इन माँ बेटों को तो मारना चाहता ही था, लेकिन साथ साथ इस मैक्स से छुटकारा पाना चाहता था। हमें दो काम करने चाहिए। उस जले हुए घर में वापस जाना चाहिए, शहर के छोटे बड़े होटल में जाकर इस मैक्स के बारे में पता करना चाहिए। एक्चुअली अगर हमें मालूम होता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता। सर, अगर वो आदमी मैक्स यहाँ पर कोई फाइल्स या पेपर्स ढूंढने आया होगा तो अब तक तो वो सब जल के राख हो गया होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है दक्ष? ऐसे सोचो कि हम हवा ढूंढ रहे हैं, कभी कभी हवा में बातें करने से भी कुछ ना कुछ हाथ लग जाता है। ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। सर, ये तो बहुत ही अजीब अंगूठी है। अंगूठी टीवी के अंदर छुपा के रखी गई? मतलब जरूर ये बहुत ही काम की होगी, नहीं तो कोई उसे टीवी में क्यों छुपा कर रखता। सर, शायद मैक्स इसी अंगूठी को ढूंढता हुआ इस घर में आया होगा। टीवी में छुपा कर रखी थी अंगूठी, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मगर हमने तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश की थी,
कुछ नजर नहीं आया इसमें। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर काम चलता तो मैं यहाँ बैठकर या तो भजन कर रही होती या फिर मक्खियां मार रही होती। प्लीज डोंट माइंड अभिजीत, ये फोरेंसिक लैब इसीलिए बना है कि अब ये अंगूठी बताएगी कि मैं कौन हूं। ये तो रिंग जैसा ही दिख रहा है। मैं जूम करती हूं, 10 गुना बड़ा करके देखेंगे और अगर उससे भी काम नहीं चला तो 100 गुना बड़ा करके। सर ये तो कुछ सांप जैसा नजर आ रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। और भी कुछ दिखाई देगा शायद, मैं और जूम करती हूँ। गोल गोल चक्कर। रिंग के अंदर बड़ी सफाई से डिजाइन बनाई गई है, डिजाइन के अंदर डिजाइन। सर वहां पे कुछ लिखा भी हुआ है। थोड़ा और बड़ा करो। हाँ सर। Three rat cat 3, ये क्या नई मुसीबत है? 3 rat cat 3, ये अजीब सा कोड है। हॉस्पिटल में जो आदमी लेटा है उसे ही पता होगा ये 3 rat cat 3 क्या है। मैक्स, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अपने आप ही बता दो कहानी क्या है, समझे? इसकी तो आवाज एकदम से बंद हो गई, सारा दर्द गया कहां इसका? इसके मुंह में कोई इंजेक्शन लगा दिया क्या आपने? देखो हमें यह भी पता चल गया है कि तुम रोम से उन्हें मारने के लिए आए थे। हमें पता चल गया है 3 rat cat 3 क्या है, मालूम है ना 3 rat cat 3 क्या है? 3 rat cat 3 क्या है बताओ। ये तो मर गया। गॉड, अभिजीत ये जलने से नहीं मरा लेकिन ये 3 rat cat 3 सुनते ही मर गया। ऐसा है क्या इस 3 rat cat 3 में? सर 3 rat cat 3 का राज तो ये अपने पेट में दबा के ही मर गया है। अभिजीत हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये ठहरा कहाँ था, किसी होटल में या किसी घर में, उसके बाद ही शायद पता चल जाए कि ये 3 rat cat 3 है क्या। ऊपर से देखने से तो ऐसा लगता है कि इस मैक्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हम अगर जब हम इससे मिलने गए तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे ही हमने इसे 3 rat cat 3 के बारे में पूछा इसे दिल का दौरा पड़ गया। आखिर है क्या ये 3 rat cat 3? देखिए अगर आप लोग मुझसे इस मुर्दे के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ, ये चूहे बिल्ली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है, अगर हमें इस मैक्स के बारे में कुछ और मालूम होता तो शायद हम यहाँ आते भी नहीं। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी बात है जिसे हमें इस मैक्स के बारे में कुछ और पता चल जाए, सिवाय इसके कि ये हार्ट अटैक से मरा। अगर आप लोग इसकी गर्दन उठाकर देखते तो आप लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्या है गर्दन पे? गर्दन पे नहीं, गर्दन के नीचे, इसके कोट पे, कोट के कॉलर पर लॉन्ड्री मार्क है, ये देखिए। लॉन्ड्री मार्क? जुपिटर क्लब का निशान है रोम में। अब क्या, ऐसा लगता है हम वहीं के वहीं खड़े जहां से शुरुआत हुई। नहीं दया, ज्यादातर क्लब्स का दूसरे क्लब्स के साथ टाइप या अफिलिएशन होता है, हो सकता है इस क्लब का भी यहां किसी दूसरे क्लब के साथ अफिलिएशन हो। क्लब एंथीरियस मुंबई।
क्लब एंथीरियस मुंबई। मार्क यहीं पर ठहरा था, यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। क्लब एंथीरियस। वो यहाँ आया कब था? 9 दिन पहले आया था और तब से रूम नंबर T5 में रुका हुआ है। थ्री रेड कैट थ्री में ऐसा है क्या जिसको सुनते ही वो आदमी मर गया? सर, ये पहला वाला फोटो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सर, ये वही मां बेटे हैं जिनका खून हुआ है। और दूसरी फोटो? तीसरी फोटो देखो। तीनों की फोटो एक साथ? ये लोग एक दूसरे को जानते होंगे क्या? लगता है ये फोटो चुपके से खींची गई है। देख कंप्यूटर में अच्छी तरह से देखो, देखो हमारे काम का कुछ और मिलता है क्या? सर। और तुम लोग कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, हर चीज की तलाशी लो। लेकिन ये आदमी है कौन? उधर मैक्स मरा पड़ा हुआ है, इधर मैक्स के कमरे में ये आदमी मरा पड़ा है। उन चारों मरे हुए इंसानों का उस कोड के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। थ्री रैट कैट थ्री। ये थ्री रैट कैट थ्री है क्या? बड़ा अजीब सा कोड है। तीन चूहे बिल्ली तीन। वहां कमरे में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है और किसी ने उसे देखा नहीं। हो सकता है ऐसा? कोई भी वेटर उस कमरे की सफाई करने के लिए अंदर नहीं गया? सर, क्लब का रूल है कि जब भी गेस्ट रूम में हो तो कोई कमरे में नहीं जा सकता। ये आदमी यहाँ पे आया कब था? 10 दिन पहले आया था सर, रोम से। रोम से? ये भी आया था रोम से? पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है इसका? प्रणय मेहता। प्रणय मेहता। पहले प्रणय मेहता आता है रोम से, उसके पीछे पीछे दूसरे दिन खूनी भी आता है रोम से, सीधे रोम से आता है। तो वो प्रणय मेहता को मारने के लिए ही आया होगा। किस तरह का क्लब है ये? जहां किसी भी स्टाफ ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रणय अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सर, वो हमेशा से ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे, इसीलिए। हमेशा से मतलब? ये पहले भी आ चुके? जी हाँ, ये हर 5-6 महीने में यहाँ आते थे और 10-15 दिन के लिए रुकते थे। कोई उनसे मिलने आता था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाकर मर्ड के लिए टैक्सी लाने के लिए जरूर कहा था। मर्ड में तो वो दोनों माँ बेटे भी रहते थे ना, मेघना और उसका बेटा। कहीं इन दोनों का इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? तीनों का ही खून हुआ है। अभिजीत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डीएनए टेस्ट करवाओ और साथ में मेघना और उसके बेटे का भी डीएनए टेस्ट करवाओ। पता चल जाएगा इन लोगों का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं। चलकर देखते हैं रूम नंबर T8 जहां पर ये प्रणय मेहता ठहरा था। थैंक गॉड यहां पे कोई लाश नहीं। सर, जब वो यहां आए थे तो सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर आए थे। बैग? कमरा तो खाली है, मगर कबर्ट में ये कोट है। कोट में क्या है देखो। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ पे एक सेफ। अभिजीत, सेफ को ब्यूरो ले चलो।
नहीं सर, ये तिजोरी तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। गैस कटर मंगवा, उसी से काट के खुल दे। चलो सर। मैंने क्या किया साहब, मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया गया है? ये तिजोरी खुलनी है। ये काम तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप सेफ खोलो। चलो। क्या है साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये कंप्यूटर वाली तिजोरियां होती है ना, वो हमारे समझ के बाहर होती है साहब। प्रिडिक्स भेजो इसे। चलो एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। अभी तक ये कोड वर्ड 3RATCAT3 इस्तेमाल नहीं किया है। हो सकता है इस कोड वर्ड से ये तिजोरी खुल जाए। दे सर, 3RATCAT3 टाइप करके देखो। अभिजीत देखो जरा, इस फोन से कौन कौन से नंबर पर फोन किए हैं और SMS भेजे। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इनबॉक्स एम्प्टी, डायल कॉल्स नो नंबर। सर इसे ना तो कोई फोन किया गया ना ही कोई मैसेज भेजे गए हैं, लगता है बिल्कुल नया फोन है। फिर तिजोरी में संभाल कर रखने की क्या जरूरत है? इस फोन का जरूर उस 3RATCAT3 से कुछ ना कुछ संबंध है। इस फोन को खोल कर देखो। बैटरी में कुछ लिखा हुआ है। राम और श्याम 15 हफ्ते चले क्या? ये देखिए सर, प्रणय मेहता के हाथों को पहले तो रस्सी जैसी किसी चीज से बांधा गया है। शायद इसके मुंह से कुछ उगलवाने के लिए खूनी इसे तड़पा रहा होगा। हाँ, उसके बाद इसे डुबा कर मार दिया गया और दूसरे दिन खूनी ने जाकर माँ बेटे को मार दिया। क्या आपने कैसे पता लगा लिया? ये तो क्लब में मरा था और वो माँ और बेटे मर्ड में। सर मैंने माँ बेटे और इनके DNA का टेस्ट किया है। वो लड़का इनका ही बेटा था और वो औरत इनकी पत्नी थी। ये फोटो देख के हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था, किसी ने ये फोटो बहुत पहले खींची है जब ये तीनों एक साथ थे। लेकिन ये आदमी क्लब में क्यों रह रहा था? अपने बीवी और बेटे के साथ मर्ड में क्यों नहीं रह रहा था? क्या मालूम? मगर जैसे उस आदमी को पता चला कि इसकी बीवी और बेटा इसी शहर में रहते हैं, वो वहां फौरन भागा, उनसे पूछा और उन्हें तड़पा तड़पा के मार लिया होगा। मगर वो है क्या चीज जिसके बारे में खूनी पूछ रहा है? क्या पता चला? सर मुझे लगता है इस कोड वर्ड का राम और श्याम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मगर सर ये राम श्याम किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। क्या? राम और श्याम थिएटर। थिएटर? यस सर, राम और श्याम नाम के दो थिएटर हुआ करते थे जिन्हें तोड़कर अब प्राइड नाम का मल्टीप्लेक्स बना दिया गया है। प्राइड? वो मड आइलैंड वाला? यस सर, उसका नाम पहले राम और श्याम था। मड? मड से याद आया, वो क्लब का मैनेजर बता रहा था कि प्रणय मेहता ने भी मर जाने के लिए एक टैक्सी हायर की थी। तुम लोग एक काम करो, मर जाकर उस मल्टीप्लेक्स की अच्छी तरह से तलाशी लो। हो सकता है जिस सबूत का हमें इंतजार है वो हमें वहीं पर मिल जाए। कल आना, फिर देखेंगे। आइए सर। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। बहुत कम लोग बैठे हुए हैं पुरानी फिल्म और वीकडे की वजह से। हाँ, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। सब प्लीज देख लीजिए। कल सुबह हम खुद आकर मिलेंगे। राम और श्याम के कोर्ट का मतलब तो हमने पता लगा लिया है। अब ये 15 हफ्ते चलेगी। शायद इसका मतलब सीट नंबर 15 से हो। 15 नंबर की जितनी भी सीटें हैं सब छान मारते हैं। पेन ड्राइव, इसे भी ध्यान से देखना होगा।
कहीं इसमें भी तो कोई कोड वर्ड नहीं। इस पेन ड्राइव का राज क्या है ब्यूरो में ही पता लगेगा। प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हेलो, हमें पता चल चुका है कि तुम लोगों को सीट नंबर 15 के नीचे से क्या मिला। कौन बोल रही हो तुम? हैं? देखो ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी गाड़ी रेड लैम्प के सिग्नल के सामने रुकेगी। भाई की गाड़ी तुम्हारी जीप के सामने आएगा, उसके कटोरे में तुम्हें सीट नंबर 15 के नीचे से मिला हुआ सामान डाल देना है, समझ गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगी वो हम करेंगे? मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसा ही कहो। जरा अपनी सीट के नीचे झांक कर तो देखो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है, उसके बाद ये टाइम बॉम्ब फट जाएगा। इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना क्योंकि ये फौरन फट जाएगा। तुमको जो करना है कर लो, समझी तुम? और एक बात, हम लोग मरने से नहीं डरते, सर पे कफन बांध के निकलते घर से। कौन कहता है कि हमारे देश में देश प्रेम नहीं? तुम तो मरने तक तो तैयार, लेकिन ये सोचा है कि 160 पावर का टाइम बॉम्ब जब फटेगा तो क्या होगा? आसपास के बेचारे लोग, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी वजह से बेमौत मारे जाएंगे। 2 मिनट का वक्त देती हूँ तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, तब तक सोच लेना। हेलो, समझ में आ गया मामला क्या? अगर उसकी बात नहीं मानी तो बहुत सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। बॉम्ब भी काफी बड़ा है, इसी भी सबको पहले फोन करते हैं। हाँ अभिजीत, कुछ मिला? सर 15 नंबर सीट के नीचे हमें एक पेन ड्राइव मिल गया, मगर कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसने हमारी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया सर। और उसका कहना कि पेमेंट टैप के सिग्नल पे एक भिखारी खड़ा हुआ है, ये पेन ड्राइव उसके कटोरे में डाल दो नहीं तो हम सबको बॉम्ब से उड़ा देगा सर। जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। व्हाट? सर हम उसकी बात मान लें? हाँ, देखो अभिजीत, हम अपने साथ मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, सीट नंबर 15 के नीचे जो कुछ भी मिला है वो उस भिखारी के हवाले कर दो। ओके सर। उस भिखारी पर दूर से नजर रखना, लेकिन किसी भी तरह का खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को सही सलामत वापस देखना चाहता हूं ब्यूरो में, समझे? यस सर। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कुछ नहीं कहा है मैंने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, सुबह से कुछ आया नहीं है, कुछ दे दो बाबा। दया, भिखारी के पीछे जाओ। अभिजीत मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइव कोई भी कर लेगा दया, तुम फौरन भागो उसके पीछे। तुम लोग उतरो, जल्दी से गाड़ी के नीचे उतरो। नहीं सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अबे रुक, ओए, वो चीज जो हमने दी थी वो कहाँ गई? वो चीज कहाँ गई? वही है। Good boy. समझदार निकले जो हमारी बात मान ली तुमने। और देखो ना, हम भी अपनी बात के कितने पक्के निकले। तुम्हें अब बचने का रास्ता भी बता रहे। बॉम्ब के ऊपर लाल और काले रंग के तार हैं। उसमें से काले रंग के तार को फौरन काटो। कैसे भरोसा कैसे करें तुम पे? भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। सच बता रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता, वो मैडम आई और लेके चली गई। कसम से साहब, सच बता रहा हूँ। अभिजीत, सब गड़बड़ हो गई। उस भिखारी से वो पेन ड्राइवर लेके भाग गई। माय गॉड, वापस थिएटर में चलो। ये बम उस लड़की ने वहीं पे फिट किया होगा, वहीं पे कुछ ना कुछ पता चलेगा। अच्छी तरह पूछताछ करो, कहीं ना कहीं किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, सबसे पूछा, किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा। अभिजीत, आधे ये उस लड़की के बारे में जानता है? क्या जानते हो उसके बारे में तुम? साहब, एक लड़की अपनी गाड़ी में आई और मुझे 1000 रुपये का नोट देके बोली कि अपनी गाड़ी उसे आपकी गाड़ी के पास पार्क करनी है और मैं उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट ना करूं। साहब क्या करता, लालच में आ गया। उस कार के बारे में हमें और क्या बता सकते हो? कोई ऐसी बात याद करो जिसे हम उस कार को पहचान सके। साहब वो ग्रे रंग की होंडा यूटी कार थी। और हाँ याद आया साहब, उसकी गाड़ी का जो आगे वाला कांच था उसके ऊपर अंधेरी डांडिया फंक्शन का एंट्री पास चिपका हुआ था साहब। अजीब औरत है, दिन में लोगों की जान से खेलती है, रात में एक्सक्यूज मी। यस, ये आपकी गाड़ी है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? हम लोग CID से हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके अलावा ये गाड़ी और कौन ड्राइव करता है? मेरी बहन ड्राइव करती है। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, उन लोगों ने इतने रुपयों का लालच दिया कि मैं मना नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आखिर ऐसा है क्या इस पेन ड्राइव में जिसके लिए उन लोगों ने तुम्हें इतने रुपयों का लालच दिखाया, बताओ। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। प्रणय में था, कौन था प्रणय? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट प्रणय मेहता? हाँ, वो विश्व शांति संगठन के लिए काम कर रहा था। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, आतंकवाद को रोकने के लिए प्रणय एक ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे थे जिससे दो देशों के बीच के ऑफिसर्स और पुलिस सैटेलाइट के जरिए कॉन्फ्रेंस कर सके और उनके बीच की बातचीत और खुफिया जानकारी किसी भी तरीके से लीक ना हो सके। इस मिशन का नाम था 3RAT CAT 3। प्रणय मेहता को मारा क्यों? क्योंकि प्रणय ही दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसे उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड पता था। हमने उसे डराया, धमकाया, उसे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड नहीं बताया और हमें उसे मारना पड़ा। बाद में हमें पता चला कि उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। हम वहां भी गए और उनसे पूछताछ की, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमने उन्हें भी मार डाला और घर में आग लगा दी। और मैक्स तो तुम्हारा ही आदमी था ना? हाँ, वो रोम से प्रणय के पीछे आया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एक छोटे से घर में लगी हुई आग इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होगी। हम सैल्यूट करते हैं प्रणय मेहता को और उसकी फैमिली को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही लोग हमारे देश के असली हीरो हैं।
सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।